हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली है दोस्तों, उसके लिए शानदार क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज की क्लास भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के क्वेश्चन कुछ स्पेशल है आपके लिए, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके पहले एक मैराथन कर चुके हैं, और अब आने वाले संडे को अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा, तो हम एक और मैराथन क्लासेस को आपके लिए संडे के दिन लाएंगे दोस्तों। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शब्द शब्द किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल डिवाइस, बी हो जाएगा सिस्टम एड ऑन, बी हो जाएगा डिस्क पैक, और डी ऑप्शन हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर आपको समझाएं, वो बोल रहा है कि दोस्तों किसी उपकरण को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, उसके लिए किसके लिए जोड़ा जाता है, कंप्यूटर की फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, फंक्शनलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसमें और उपकरण बढ़ने से कंप्यूटर में काम करना आसान हो जाता है। ऐसे उपकरण जिनको कंप्यूटर में जोड़ने से कंप्यूटर में काम करना और आसान हो जाता है दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस दोस्तों। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। क्लियर है यहां तक? यही आपसे क्वेश्चन में दिया गया था। क्या होता है, लैंग्वेज बहुत टफ होती है और क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग क्वेश्चन गलत कराते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। तो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं कीबोर्ड हुआ, जैसे हमारा, ठीक है ना, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है ना, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर हुआ। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं? पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों और अपना अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? चलिए, 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह कहता है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, तो उस डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। किसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए? मान के चलिए कंप्यूटर में दोस्तों कोई आपने नई चीज बाहर से जोड़ी, यानी पेरिफेरल डिवाइस उसको बोल सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा बोल दूं, यदि कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस जैसी कोई नई डिवाइस अटैच करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल के अंतर्गत ही ये आते हैं हमारे प्रिंटर स्कैनर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी उसको देखते हैं। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले, उस माने उस डिवाइस जिसको हमने कनेक्ट किया, उसका काम करने से पहले, उसका यूज करने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। किसका इंस्टॉल करते हैं, माने एक और चीज डालनी पड़ती है उसके अंदर। क्या? चार ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा बफर, बी हो जाएगा ड्राइवर, सी हो जाएगा पेजर, और डी हो जाएगा सर्वर। याद रखिए, चाहे वो प्रिंटर हो चाहे वो स्कैनर हो, मान के चलिए आपने कोई प्रिंटर को स्कैन, मान के चलिए कोई प्रिंटर को आपने अपने कंप्यूटर में इसको क्या कर लिया, केबल द्वारा कनेक्ट कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है उस प्रिंटर का या उस स्कैनर का क्या होता है दोस्तों, ड्राइवर इंस्टॉल करना। दोस्तों क्या होता है, ड्राइवर इंस्टॉल करना, जिससे क्या होता है, आप प्रिंटर की सेटिंग मिला सकते हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर। ड्राइवर क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझाएं, उसको कंट्रोल करने के लिए। मान के चलिए आपने प्रिंटर तो जोड़ दिया, अब बटन से आप कितना कंट्रोल करोगे? तो क्या होता है कि अगर आपके अंदर ये ड्राइवर डल जाएगा इसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब आ जाता है दोस्तों अपना 170वें नंबर का क्वेश्चन, कि कंपाइलिंग से क्रिएट होता है या होती है, तो कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, बी हो जाएगा एल्गोरिदम, और सी हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, और डी हो जाएगा सब रूटीन। तो याद रखिए दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कंपाइलिंग से दोस्तों जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, तो कंपाइलिंग से हमेशा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों। उसके पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, आपकी सपोर्ट और सहयोग से ही हमने इस क्लासेस को स्टार्ट किया है। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर देना। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको लिखने को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा असेंबलिंग, हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं। बी ऑप्शन हो जाएगा कंपाइलिंग, सी हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग, डी हो जाएगा कोडिंग।
तो मैं अगर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है पहले से, तो उसको लिखने के लिए हम उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग बोलते हैं। और कोडिंग की लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है, जैसे कि मैं अगर आप थोड़ी सी आपको बता दूं तो जावा हुआ, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, SQL हुआ, पाइथन हुआ, तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। तो आज की ये लेटेस्ट हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनका आज के कह सकते हैं आईटी के क्षेत्र में इनका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोडिंग, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब 119वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब पेरिफेरल से बहुत सारे हम अभी ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन आ गया है। मैं बार बार क्वेश्चन को इसलिए डालता हूं कि अगर ये क्वेश्चन फंस जाए तो गलत होना चाहिए। किस प्रकार के बन सकते हैं, कितने प्रकार के बन सकते हैं, कैसी कैसी लैंग्वेज में आ सकते हैं, हर प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे 119वें नंबर का जो क्वेश्चन है, अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि सामान्य शब्द में अगर पेरिफेरल इक्विपमेंट यानी पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, बी हो जाएगा बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम, और सी हो जाएगा प्रोग्राम कनेक्शन, और डी हो जाएगा कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से जुड़े ना हो। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता चुका हूँ पेरिफेरल डिवाइस कौन होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये हमारे पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और सामान्य शब्द में पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, ठीक है ना, कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगाई गई कोई भी डिवाइस, जिसका हम बाद में ड्राइवर भी यूज करें, उसको इंस्टॉल करते हैं तब जाकर हम उसको यूज कर पाते हैं। जस्ट ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए सीपीसीडी का एक न्यू बैच लॉन्च करेंगे जो कि 2.0 है, वो लॉन्च हो चुका है। अच्छा, उसकी स्पेशल बात क्या है जो आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली उसके लिए भी काम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों जो वो मैंने बैच स्टार्ट किया है उसमें जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं हम थ्योरी, क्या पढ़ा रहे हैं, थ्योरी, कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर बिल्कुल कोई कंप्यूटर के बारे में ए भी नहीं जानता होगा ना, तो वो भी समझ जाएगा। तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लास की जो टाइमिंग है याद रखिए वो प्रतिदिन शाम 6 बजे की है दोस्तों, ठीक है ना। और याद रखिए हम उसको 5 दिन या 4 दिन हम क्या करेंगे उसमें थ्योरी पढ़ेंगे, और फ्राइडे सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे, उन्हीं जो थ्योरी हमने पढ़ी है उन्हीं पर आधारित एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलिए तो अब अपने क्वेश्चन की ओर वापस आ जाते हैं। उससे क्या होगा, कंप्यूटर तो देखिए वही है, तो सीपीसीडी में जो कंप्यूटर आएगा वही आपके आईटीआई में आएगा। ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर का शब्द बदल जाएगा या कंप्यूटर के अक्षर बदल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आप उस क्लास को ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्लास भी मैं ज्यादा बड़ी इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है ना। चलिए अब 120वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बी हो जाएगा कंप्यूटर सेक्रेटरी, बी हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन, और डी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। कई बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, और अगर सभी को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर को एक प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स को ही हम, बहुत सारे प्रोग्राम्स को ही मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनको हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बोलते हैं, और इन्हीं को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं कोई? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था। दोस्तों यूनिक्स क्या है, सबसे पहले सभी को यह भी पता होना चाहिए। तो यूनिक्स क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा 1950, बी ऑप्शन हो जाएगा 1955, सी हो जाएगा 1960, और डी हो जाएगा 1969। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूनिक्स का जो विकास हुआ था तो वे कब हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों यूनिक्स का जो विकास हुआ था वे 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं। 122वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है।
यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक कह सकते हैं मुख्य भाषा कौन सी, एक ऑप्शन हो जाएगा कोबोल, बी हो जाएगा बेसिक, सी हो जाएगा असेंबली, डी हो जाएगा जावा। अभी जस्ट मैंने आपको भाषा के बारे में समझाया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझाया था, जावा हुई, कोबोल हुई, बे एसक्यूएल हुई, ये हमारी सारी की सारी क्या है, पाइथन हुई, ये एक हमारी कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे ही यूनिक्स की दोस्तों एक भाषा है दोस्तों, उसकी भाषा कौन सी है ये आप और हमको बताना है। याद रखिए यूनिक्स की जो भाषा है वह कौन सी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर हमारी, बताएगा कोई, अब तो समझ में भी आ गया होगा, असेंबली, असेंबली भी लिखा आएगा, ज्यादातर आपको असेंबली लिखा मिलेगा, असेंबली ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। और अगर हाँ, एक चीज मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूं, अगर इसी क्लास को जो 10 मिनट की मैं क्लास करता हूं, अगर इसी में आपका थोड़ा अच्छा सपोर्ट रहा, कम से कम 100 100 200 200 व्यूज आने लगे, तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि इसी क्लास को मैं 20 मिनट का भी कर दूंगा, क्वेश्चन डबल हो जाएंगे और उसमें थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्लास में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।